भी मिल जाएगा यस yes, रहेगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि स्पीकर ऑफ कर देता हूं इसलिए स्पीकर ऑफ करना जरूरी है कि जब आप क्वेश्चन को करना होगा तो स्पीकर ऑन कर लेंगे ठीक है कि सबको वॉइस क्लियरली मिले ठीक है यस yes, ठीक चलिए आज की जो टॉपिक है हम लोगों ने ये मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को ऐसे तो लगातार आप उसकी ब्रेस्ट एनाटॉमी देख रहे हैं जिसमें आपने फ्रंटल व्यू को देखा था पिछले क्लास में क्या देखा था फ्रंटल व्यू ऑफ द ब्रेस्ट और उसको जो है एनाटॉमी के हिसाब से बाहर से लगा लो उसको एनाटॉमी के हिसाब से मैंने बताया था और अब हम लोग अब जो जिस टॉपिक को मैं बताने वाला हूं वो ब्रेस्ट टिश्यू टाइप है ब्रेस्ट टिश्यू टाइप टिश्यू टिश्यू टाइप ठीक है ब्रेस्ट की जो टिश्यू है वो किस टाइप की होती है जो रेडियोग्राफी में अगर हम लोग देखेंगे तो ब्रेस्ट की जो टिश्यू होती है यूजुअली तीन तरह की होती है एक होती है ग्लैंडुलर ठीक है ग्लैंडुलर यानी के वो टिश्यू टाइप जो ग्रंथि हो जो ग्लैंड हो जिसका काम केवल और केवल सिक्रीशन करना हो और नंबर टू में अगर हम लोग बात करते हैं तो वो होगा फाइबरस और कनेक्टिव टिश्यू ठीक है, फाइब्रस और कनेक्टिव टिश्यू ठीक है और तीसरा जो टाइप होता है जिसको हम लोग कहेंगे एडिपोज. ये इतने ये सारी टिश्यू जो है मिल करके कंप्लीट ब्रेस्ट को बनाती है यानी कि अगर हम लोग ब्रेस्ट के कंपोजिशन को देखेंगे तो हमें ये सारे स्ट्रक्चर को ही समझना होगा और चूंकि अगर मेमोग्राफी की जहां पर बात आती है तो हमारे जो एबनॉर्मिलिटी होगी किसी भी टिश्यू इफेक्टेड हो सकते हैं ठीक है तो हम लिख सकते हैं एनी ऑफ द अबव टिश्यू

Of the best technique, है ना to evaluate डिजीज कंडीशन ठीक है मैंने क्या लिखा सिंपल सी बात लिख दी कि ऊपर में दिए हुए कोई भी टिश्यू में पैथोलॉजिकल एबनॉर्मिलिटी हो सकती है एनी ऑफ द अब टिश्यू गेट पैथोलॉजिकल एबनॉर्मिलिटी पैथोलॉजिकल एबनॉर्मिलिटी यानी कि बीमारी से होने वाली एबनॉर्मिलिटी हो सकती है ठीक है ना और मेमोग्राफी बहुत सहायक होता है हमें या मेमोग्राफी टेक्निक बहुत सहायक होती है इवेल्युएट करेंगे हम डिजीज कंडीशन में है ना और ये कहा करते हैं तो मैमोग्राम में करते हैं और मेमोग्राम क्या होता है ये जो चित्र होता है, उसको हम लोग मेमोग्राम कहते हैं ठीक है अब देखिए यहाँ पर क्या देता है अगर हम यूनिवर्सिटी बुक के तरफ जरा सा रुख करते हैं तो यहां भी इसी तरह की बात आपको मेंशन किया हुआ है और मैं थोड़ा सा कलर ले लेता हूं ब्लैक और साइज बड़ा कर देते हैं कि आप लोग सब कोई को दिखाई दे आपकी बुक यहाँ पे आप देखेंगे कि ब्रेस्ट टिश्यू टाइप में एक बोल रहा है ग्लैंडुलर दूसरा हो रहा है फाइबरस या कनेक्टिव और तीसरा बोल रहा है एडिपोज तो मेजर प्रॉब्लम रेडियोग्राफी जो होती है यानी कि हम लोग जो रेडियोग्राफी करते हैं तो उस वक्त जो मेजर प्रॉब्लम होता है ब्रेस्ट के मामले में खास करके तब जब उसकी टिश्यू की बात होती है अलग अलग तरह के टिश्यू हैं, खास करके तीन प्रकार के टिश्यू हैं और उनका जो कंट्रास्ट होता है ना ये बहुत ज्यादा डिफ्रेंशिएबल नहीं होता डिफ्रेंशियबल का मतलब अंतर करने योग्य अब देखिए जहां पे हड्डी है और मांसपेशी है तो हम लोग बड़ा अच्छे से जो है उसको डिफरेंशिएट कर लेते कि पार्ट हड्डी का हो गया ये पार्ट मांसपेशी का हो गया बात समझ में आ गई लेकिन जहां पर इसकी बात आती है तो यहाँ पे क्या चक्कर है कि सब जो है टिश्यू है सॉफ्ट डेंसिटी का हो, और सब मिक्स होकर के एक समान दिखाई दे देता है ये बहुत बड़ी दिक्कत और प्रॉब्लम आती है रेडियोग्राफी करने के समय में ठीक है तो यहां पर जो इनहेरेंट सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट है वो थो, वो एक्चुअली में तीन कैटेगरी में बांटा भी गया है ग्लैंडुलर अलग तरह का दिखना चाहिए फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू अलग तरह का दिखना चाहिए और एडिपोज टिश्यू जो के फैटी है वो अलग तरह का दिखना चाहिए ठीक है क्योंकि ये जो टिश्यू है जितने के जितने टिश्यू हैं ये ये तीनों टिश्यू है ये तीनों का तीनों टिश्यू सॉफ्ट टिश्यू में आ जाता है आता है कि नहीं है ना हार्ड तो कोई नहीं है कोई भी बोन नहीं है तो यहाँ पर हड्डियां नहीं होती हैं है ना या कोई ऐसा टिश्यू भी नहीं होता है जहां पे हवा भरा हो वायु भरा हो ये ये तो सिर्फ लंग्स में पॉसिबल है ना Lungs में भी अलवलाई होती है और उसके अंदर क्या भरा होता है एयर भरा होता है तो वो जो एयर होता है ना वो बहुत ही हेल्पफुल होता है वो एक नेगेटिव कंट्रास्ट एजेंट की तरह काम करता है और उसकी वजह से इमेज बहुत ही क्लियर हम लोगों को दिखाई देती है लंग्स पैरन काइमा की लेकिन यहाँ पर तो एयर की बात है नहीं फाइबरस और ग्लैंडुलर टिश्यू जो है लगभग सेम डेंसिटी की होती है अब देखिए यहाँ पर फाइबरस टिश्यू और ग्लैंडुलर टिश्यू जो है सिमिलर डेंसिटी की होगी रेडिएशन बराबर करता है और है और टू जो सिमिलर फैशन में नजर आते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं इसको याद रखना है एग्जाम में ये पूछेगा कि ये जो फाइबरस है और ग्लैंडुलर टिश्यू ये दोनों एक समान ही नजर आते हैं तो हमारा जो है यहाँ पर फाइब्रस टिश्यू हो गया नाम यहां पे लाइन लगा देते हैं यहां पे लाइन लगा देते हैं ये हो गया फाइब्रस और ये हो गया एडिपोज और ये दोनों की जो डेंसिटी है, है ना ऑलमोस्ट सिमिलर ये दोनों बराबर घनत्वता रखता है ये दोनों की घनत्वाता लगभग लगभग क्या है बराबर है और ये दोनों में डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है है ना इट इज हाउएवर इट इज डिफिकल्ट हम लिख सकते हैं हाउएवर इट इज डिफिकल्ट डिफिकल्ट टू Differentiate between adipose and fibrous <laughs> tissue. Okay? Okay? Fibrous tissue. तो हम लोग बोल सकते हैं ये चीज यहाँ पे मैंने ऐसा अंडरलाइन लगा दिया यहाँ पे और ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगा आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है है ना तो ये दोनों में क्या है कि और हमारा जो ब्रेस्ट है इसमें बताया है, इसने कि कहीं पर कोई हड्डी नहीं हो सकती है इसमें हड्डियां नहीं होती हैं इसमें एयर भी नहीं होता है ठीक है और जो भी रेडिएशन का एबजॉर्बशन होता है वो टिश्यू के द्वारा होता है ठीक है तो हम लोग को जो भी है इसी में ही आ, समझना पड़ेगा और इसी में ही समझना होगा ठीक है मेजर डिफरेंस जो ब्रेस्ट टिश्यू का फैक्ट इज द फैक्ट एडीपोज और फैटी टिश्यू इज लेस डेंस देन फाइबरस ग्लैंडुलर टिश्यू ठीक है तो फाइबरस और ग्लैंडुलर टिश्यू मेजर डिफरेंस ब्रेस्ट टिश्यू में जो फैक्ट है के एडिपोज एडिपोज जिसको हम लोग फैटी टिश्यू भी कहते हैं ये घनत्वता में कम होता है फाइबरस टिश्यू से ठीक है तो फाइबरस टिश्यू से घनत्वता में कम होगा तो हम ये कह सकते हैं यहां पर इसकी जो डेंसिटी है है ना ये लेस होगी थोड़ी सी लेस होगी और इसकी जो डेंसिटी है ये क्या होगी स्लाइटली हाई होगी ठीक है ये होगा ठीक है तो ये हो गया और इसी में हम लोगों को जो भी है इसमें इमेजेस को देखना पड़ता है और डेंसिटी के आधार पे हम बीमारियों को देख सकते हैं ठीक है ना यहां पे लिखता है द डिफरेंट डेंसिटी डिफरेंट डेंसिटी हेल्प अस टू डिटेक्ट एब एबनॉर्मिलिटी ठीक है अब आते हैं एग्जाम्पल में कैलसी एरिया जहां पे कैलसीफिकेशन हो है ना वो एरिया को हम लोग क्या कहेंगे वो एरिया को हम लोग कहेंगे एरिया और कैल्सीफाइड हो सकता है तो ब्रेस्ट के जो डक्ट होते हैं ना उसमें क्या होता है कि कैल्शियम आके जम जाता है आपको पता है मिल्क में कैल्शियम होता है तो किसी किसी महिला में क्या होता है कि अधिक कैल्शियम होने की वजह से वो एरिया कैल्सीफाइड होता है इवन ब्लड में भी तो कैल्शियम होता है तो वो कहीं पर उसके वस्कुलर रीजन में उस वेन के पास या आर्ट्रियल रीजन में भी वो ब्लॉक करके कैल्शियम जम सकता है लेकिन अधिकतर केस क्या होता है जो लैक्टोफेरस डक्ट होता है वो कैल्सीफाइड हो जाता है ठीक है ना वो कैल्सीफाइड होता है ठीक है तो पर ये करते हैं। अब आते हैं अबाउट मशीन के बारे में देखते हैं मशीन के बारे में देखना है तो मेमोग्राफी इक्विपमेंट हेडिंग दे देते हैं मेमोग्राफी इक्विपमेंट मेमोग्राफी इक्विपमेंट कैसा होता है देखिए और उसको समझिए रुक जाइए कोई कोई का रिश्तेदार है

हाँ बनोगी चलो ये ठीक हो गया मेमोग्राफी इक्विपमेंट में हम लोग अगर मेमोग्राफी डिवाइस को देखेंगे तो वो इट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर डिवाइसेस ये जो अदर रेडियोग्राफी ट्रेडिशनल मशीन है इससे ये बिल्कुल अंतर रखती है बहुत अलग होती है आप अगर इस स्ट्रक्चर अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूं एस एक्चुअली में ये इस तरह की कुछ मशीन होती है और इसमें से एक ट्यूब रहेगा अटैच ठीक है हम यहां पर से एक केबल निकाल सकते हैं केबल ठीक है अब तो क्या जमाना आ गया है डिजिटल मशीन का जमाना आ गया है ना तो लेकिन मशीन का जो एक्सरे ट्यूब होता है वो तो सेम टू सेम रहेगा है हाँ ना ये क्या है तो इसको हम लिख सकते हैं एक्सरे ट्यूब ठीक है यह हो गया एक्सरे ट्यूब और इस एक्सरे ट्यूब में से एक कोन निकल जाता है इस तरह का ठीक है एक कोन निकल जाएगा यहां पर एक, एक कोन टाइप का रहेगा थोड़ा बड़ा बन गया है इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं इसको थोड़ा सा मैं छोटा करता हूं ऐसा करके एक कोन आप बना सकते हैं ठीक है और नीचे एक डिवाइस होता है जिसको हम लोग कहते हैं कंप्रेशन डिवाइस ठीक है उसका नाम क्या होता है कंप्रेशन डिवाइस कंप्रेशन डिवाइस ठीक है और ये क्या है एक कोन है ये और ये एक्सरे ट्यूब है इसका काम क्या है इसमें से निकलेगा क्या रेडिएशन निकलेगा और ये ये कहाँ जाता है ये बिल्कुल नीचे तक रहता है ये कौन और ब्रेस्ट कहाँ रहता है तो ब्रेस्ट टिश्यू यहाँ पे रहते हैं ठीक है और एक प्लेटफॉर्म होता है एक क्या होता है प्लेटफॉर्म होता है तो हम इसको यहाँ पर से ऐसा करके एक लाइन खींच सकते हैं एक और स्टैंड बना देते हैं इस तरह का और यहां पर से एक प्लेटफॉर्म रहता है बात समझ में आ गया इस तरह की कुछ होगी आपकी मशीन और इस मशीन में यहां पे ब्रेस्ट को प्लेस किया जाता है है ना यहाँ पे ब्रेस्ट और ये वाला कंप्रेशन डिवाइस क्या करेगा कि दबाव देगा दबाव देगा तो ब्रेस्ट टिश्यू क्या होगा कि बाल लीजिए कि यह ब्रेस्ट है तो ये ऐसा करके फैल जाएगा यहां पर ये क्या करेगा फैल जाएगा स्प्रेड कर जाएगा और रेडिएशन देने के बाद ये क्या किया जाता है कि इमेज को लिया जा सकता है तो मैं इमेज को फिर से बनाता हूं इमेज को फिर से बना देता हूं यहां पर कुछ इस तरह ये हो गया ब्रेस्ट तो ये जो है यहाँ पे ये क्या किया इसने कॉम्प्रेशन दिया और देने के बाद अब इमेज को बनाया जा सकता है तो इस तरह की कुछ होती है एक्सरे मशीन होती है और यहाँ पे बहुत सारे व्यू को लिया जाता है जैसे कि क्राइनो कॉर्डल व्यू हो गया है ना फिर ए, क्राइनो क्राइनो का मतलब होता है माथा और कॉर्डल यानी के पैर के तरफ ठीक है फिर मीडियो लैटरल लेटरल मीडियो मीडियो लेटरल है ना, लेटरो मीडियल इंफीरियर सुपीरियर है ना या क्रैनियल जिसको कहते हैं ये सब तरह का हमारे पास बहुत तरह की जो है यहाँ पर व्यू होती है और व्यू व्यू से वो ट्यूमर को भी देखा जा सकता है और सारे तरह के हम प्रॉब्लम को भी समझ सकते हैं ठीक है ना तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है तो इसमें एक कंप्रेशन बहुत माने रखता है इसमें एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है कंप्रेशन 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 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है इसीलिए इस चीज को दूसरी मशीन जो है ना रिप्लेस नहीं कर पाती है तो ऊपर में एक कॉम्प्रेशन डिवाइस होगा एक कंप्रेशन डिवाइस होगा और ये क्या चीज से होता है प्लास्टिक का बना होता है क्या होता है ये कॉम्प्रेशन डिवाइस ठीक है और ये प्लास्टिक का होगा कि ऊपर से आप विजिबल हो कि कितना कॉम्प्रेशन दिए हैं और इसके जस्ट इसके जो जस्ट नीचे का होता है एरिया ये एक प्लेटफॉर्म होता है यहाँ पे यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म होता है और ये जो है अगर मान लीजिए ब्रेस्ट के टिश्यू को इसमें प्लेस कर दिया गया यहां से यहां तक ठीक है तो ये क्या हो गया ब्रेस्ट ठीक है और इसमें अगर किसी तरह का मास होगा तो हमको इमेज में दिखाई देगा जो कि डीप है अंदर है गहराई में है ना तो वो हमें दिखाई देगा लेकिन इसमें क्या होता है ना कि नीचे में इमेज रिसेप्टर रहता है और वो इमेज रिसेप्टर अगर मान लीजिए कि इसमें एक इमेज रिसेप्टर लगा हुआ है तो वो वो इमेज को इस इसकी जो इमेज होती है इसको एक टेलीविजन स्क्रीन में दिख, दिखा देगा डिस्प्ले कर देगा है ना एक डिस्प्ले कर देगा हमको एक मेमोग्राम आने स्टार्ट होगा और उसका जब बाद में हम लोग क्या करते हैं कि इसका प्रिंटआउट ले लेते हैं हार्ड कॉपी है हा ना इसका हम लोग हार्ड कॉपी ले लेते हैं तो ये जो है पूरा हिसाब किताब हो गया अब रही बात के इसमें कितना कॉम्प्रेशन दिया जाएगा तो कंप्रेशन जो दिया जाता है ये कंप्रेशन तो 25 पाउंड टू 45 पाउंड कंप्रेशन कैन बी given ठीक है लेकिन देने से पहले इट इज वेरी नेसेसरी आपको पेशेंट हिस्ट्री पेशेंट हिस्ट्री पता होनी चाहिए इसलिए कि कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारी महिला जो है इंप्लांट कराती हैं इंडिया में नहीं तो फॉरेन कंट्री में ठीक है ना जो आ... इम्प्लांट अंदर में फट सकता है वो क्या करता है फट सकता है और फटेगा तो इंसान की मौत हो सकती है तो ये सारी चीज है।, है ना तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है अब आते हैं कॉलेज वाली बुक में अब देखिए इसमें एक एक्सरे ट्यूब होता है मैंने यहाँ पे एक फिगर में बनाया है एक्सरे ट्यूब तो एक्सरे ट्यूब का हिसाब किताब कुछ ऐसा ही होगा कि एक्सरे ट्यूब जैसा होता है वैसा ही होगा जैसे कि एक्सरे ट्यूब होगा तो एक्सरे ट्यूब क्या है ये तो एक लोहे का लोहे की बॉडी है ये वाली जो मैं दिखा रहा हूं ये वाला जो एक्सरे ट्यूब, ट्यूब तो अंदर में लगा होता है तो एक्सरे ट्यूब कैसा होता है सिंपल जैसा एक्सरे मशीन का एक्सरे ट्यूब होगा ठीक है तो इसमें देखिएगा दो चीज की जो ब्रेस्ट का डेंस एरिया है डेंस एरिया आपको इस कॉर्नर में होगा यह क्या होगा डेंस एरिया होगा और यह एरिया जो है ये निपल का एरिया होगा तो डेंस एरिया के पास जो है एनोड होगा डेंस एरिया के पास क्या होगा एनोड होगा तो एनोड कहां पर होगा इस तरह एनोड होता है ठीक है और ये एनोड कनेक्टेड होता है जिसमें मॉलिबेडेनम वगैरह लगा रहता है और दूसरे साइड जो है कैथोड होता है, ठीक है जैसा एक ट्यूब का होता है इसमें एक फोकसिंग कप होता है और इससे इलेक्ट्रॉन जब निकलते हैं ये इलेक्ट्रॉन तो इसकी बॉम्बार्डिंग होगी और इसकी जो बॉम्बार्डिंग होगी तो रेडिएशन जो है डेंस ब्रेस्ट का जो डेंस एरिया है उस पर ज्यादा इधर पड़ेगा और इस साइड जो है कम रेडिएशन जो है पड़ता है क्योंकि ये तो फैला हुआ है तो यहां पर डेंस है तो सब जगह की जो इमेज आती है वो कैसी आएगी होमोजेनस आएगी है ना इमेज विल इमेज विल एपियर विल एपियर होमोजेनस होमोजेनस एक लड़का बहुत फोन कर रहा है उसको हम बोल देते हैं कि अभी क्लास ले रहे हैं तो ये चीज हो गया ठीक है हो अभी देखेगा एक्सरे इक्विपमेंट में एक्सरे ट्यूब हो गया उसमें मोलिबीडनम का यूज किया जाता है मोलिबेडनम का एनोड यूज किया जाता है और कुछ डिजाइन इसमें डुअल मटेरियल एनोड होता है एनोड जो है दो मटेरियल से मिलके बनता है इसमें रोडियम भी यूज किया जाता है ठीक है ना तो ये याद रखने की चीज है मोलिबेडनम के अलावा रोडियम का भी इस्तेमाल किया जाता है और ये मटेरियल जो है प्रोड्यूस करता है कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन जो ऑप्टिमम ब्रेस्ट इमेजिंग के लिए काफी है ठीक इसके बाद इसमें क्या होगा एक फिल्टर होता है तो जो एनोड में इस्तेमाल किया जाता है मोलिबिडिन इसी मोलीबिडिनम का मेमोग्राफी करने के समय भी इस्तेमाल किया जाता है ये एक स्टैंडर्ड फिल्टर मटेरियल है और ये ऑटोमेटिक कंट्रोल कर लेता है फंक्शन को इसमें मॉलिबेडिनम या रॉन्डियम का इस्तेमाल किया जाता है रोडियम का इस्तेमाल किया जाता है कि ब्रेस्ट का एक्टी में जाए और रेडिएशन फिल्टर होकर के आएगा ठीक है अनवांटेड रेडिएशन को ये क्या करेगा एब्सॉर्ब कर लेगा उसके बाद आते हैं फोकल स्पॉट की बात आती है फोकल स्पॉट की जहां तक बात आती है तो फोकल स्पॉट हम लोग किसको कहते हैं ये जो कोन है जितना बड़ा भी कोन है इस कोन में क्या है ओहोह रुक जाइए दो मिनट इसमें जो कून होता है जहां से भी रेडिएशन निकलता है फोकल स्पॉट एक्चुअली में होता क्या है वो मैं बता देता हूं कि देखिए अगर मान लेते हैं कि अगर एक्सरे ट्यूब है, है ना कहा गया अगर मान लेते हैं कि एक्सरे ट्यूब है ठीक है तो एक्सरे ट्यूब एक सोर्स है और जिससे रेडिएशन निकल रहा है तो वो जितने एरिया को कवर करता है है ना वो एरिया पर जब उसका स्पॉट पड़ता है रेडिएशन का तो उसी को हम लोग कहते हैं फोकल स्पॉट और फोकल स्पॉट को कंट्रोल क्या चीज से किया जा रहा है तो यहां पर फोकल स्पॉट को कंट्रोल किया जा रहा है एक कोन के माध्यम से लेकिन नीचे जो पड़ने वाला नीचे जो रेडिएशन पड़ेगा ना यहां पर वो रेडिएशन उतना दूर का फोकल स्पॉट कहलाएगा ठीक है तो कंप्रेशन डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है फोकल स्पॉट का यहां पे बहुत बड़ा रोल है और नेट लगता है पुअर चल रहा है फोकल स्पॉट ये डिपेंड करता है एक्सरे ट्यूब और मेमोग्राफी में यहाँ पे सेलेक्टेबल फोकल स्पॉट है मान लीजिए ब्रेस्ट साइज स्मॉल है तो फोकल स्पॉट भी छोटा पड़ना चाहिए ब्रेस्ट साइज बड़ा है तो फोकल स्पॉट भी लार्ज एरिया को कवर करेगा तो वो रिक्वायरमेंट को पकड़ने के लिए होता है ठीक है मिनिमल ब्लरिंग हो इसके कारण अगर फोल फोकल स्पॉट को अगर हम लोग मेंटेन करके रखेंगे तो ब्लरिंग क्या होगी कम से कम होगी और छोटा से छोटा जो कैल्सिफिकेशन होगा जहां पे हल्का सा भी कैल्शियम सॉल्ट जमा होगा उसको हम लोग आसानी से देख सकते हैं ठीक है कॉम्प्रेशन जो इस्तेमाल करेंगे कॉम्प्रेशन में कॉम्प्रेस करेंगे ब्रेस्ट को और ये है, एसेंशियल भी और ज्यादा इफेक्टिव भी होता है ठीक है कंप्रेस करना तो कंप्रेस करने के लिए हमने बताया था 25 पाउंड का वजन लगाया जाता है पेशेंट को थोड़ा सा कंप्रेशन करने से डिस्कम्फर्ट महसूस होगा एक पैडल होती है या कंप्रेशन डिवाइस होता है जिससे कंप्रेशन किया जाता है ब्रेस्ट पे है ना और कंप्रेशन जो है मैंडेटरी है ये क्यों किया जाता है तो उसका चर्चा यहाँ पे किया हुआ है ये क्यों किया जाता है तो ब्रेस्ट को ज्यादा से ज्यादा कवर कर लिया जाए वो पूरा का पूरा स्प्रेड हो जाए ब्लर को जो है हम घटा सकते हैं इसके माध्यम से है ना सेंसिटिव रहेगा रेडिएशन का डोज घटेगा जब ब्रेस्ट को हम लोग क्या करेंगे उसके टिश्यू को फैला देंगे तो वहां पे कम रेडिएशन पे ही काम हो जाएगा और विजुअलाइज कर लेंगे हम टिश्यू को और चेस्ट के वॉल के करीब के एरिए को हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं ग्रिड एक्चुअली में क्या होता है ग्रिड एक्चुअली में एक ऐसा यंत्र होता है एक ऐसी डिवाइस होती है ग्रिड जो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है ग्रिड ग्रिड क्या होती है भाई तो देखिए कई तरह की ग्रिड होती है ग्रिड क्या होती है मैं समझा देता हूं ग्रिड का इस्तेमाल आप एक्सरे में भी करते हैं ठीक है जनरल एक्सरे में भी करते हैं यानी कि डेली लाइफ में जो एक्सरे करते हैं उसमें भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं ग्रिड का तो ग्रिस्ट क्या है एक ऐसी डिवाइस है जो अनवांटेड या एक्स्ट्रा या एक्स कैटर्ड रेडिएशन को से बचाती है और जिस जगह पर डेंसिटी ज्यादा होती है वहां पर हम लोग ग्रिड का इस्तेमाल करते हैं पेशेंट को जो टेबल पे लेटाया जाता है उसको हम लोग बकी ग्रिड कहते हैं और यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म होगा वहां पे भी ग्रिड होता है तो ग्रिड जनरली होता क्या है कि लाइट ग्रिड जो है लेड से भी बनाई जाती है अगर एक प्लेट है और उसमें बहुत सारे लंबी लंबी स्ट्राइप डाल दी जाए लेड की ठीक है ना तो ये और इसके बीच में दोनों के बीच में क्या होगा प्लास्टिक होगा तो ये जो ये जो लेड है पीबी ये लेड क्या करेगा रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा ये ये क्या करेगा रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा एक्स्ट्रा रेडिएशन को और जो यूजफुल रेडिएशन है ये दोनों दोनों लेड के बीच में जो गैप है ये जो गैप है इससे रेडिएशन अंदर प्रवेश कर जाएगा ठीक है तो अनवांटेड रेडिएशन से बचाने के लिए लेड का इस्तेमाल किया जाता है और हमारा जो ये होता है एक्सरे मशीन उसका जो टेबल होता है वो कहलाता है बकीड ग्रिड है ना तो यहां पर भी बकी डिवाइस ग्राइड ग्रिड जो है मेमोग्राफी में भी इस्तेमाल किया जाता है ठीक है ये एब्जॉर्ब करता है स्कैटर्ड रेडिएशन ग्रिड का काम क्या है रेडिएशन को करना और उसकी वजह से क्या होती है इमेज की क्वालिटी और ज्यादा बेहतरीन आने लगती है इमेज की क्वालिटी कैसी आएगी तो और भी बहुत अच्छी आने लगेगी हम लोग इसको कंपेयर करेंगे जनरल एक्सरे इमेजिंग में ग्रिड जो है मेमोग्राफी में इस्तेमाल किया जाता है लो रेशियो में है ना इसमें बहुत सारे स्ट्राइप्स होते हैं जो रेडिएशन को एब्सॉर्ब कर लेते हैं और ग्रिड कनेक्टेड होता है है ना? कंटेन्ड इनकी डिवाइस जो बक्की डिवाइस होते हैं उसमें भी ग्रिड का इस्तेमाल किया जाता है और इसकी वजह से किसी तरह की इमेज की ब्लरिंग नहीं होती है तो चलिए सबसे पहले हम अटेंडेंस बना लेते हैं है स्टॉप देखिए मैं कैसे अटेंडेंस बना लेता हूं यहां से ऐसा किया और इसको ऐसे करके फाइल सेव एस कैप्चर्स वन डेस्कटॉप सेव ये तो एक अटेंडेंस बन गया और भी एक ठीक है एक बच्चे का छूट रहा था एस एक अटेंडेंस और बच रहा है ये भी ले लिया मैंने ठीक है ये भी हो गया प्चर टू से, से चलिए यह हो गया शेयर ठीक है ना तो ये सारा चीज है उसके बाद हम लोग आते हैं रिसेप्टर में रिसेप्टर में दोनों चीज रिसेप्टर क्या हुआ जो इमेज को लेगा रिसेप्टर क्या हुआ जो इमेज को लेगा लेकिन रिसेप्टर से कल स्टार्ट करेंगे फ्रॉम रिसेप्टर ठीक है ना इसको कल से स्टार्ट करेंगे ठीक है तो आज यहीं पर मैं स्टॉप करता हूं क्या सर ठीक है थैंक यू सर ठीक वेलकम welcome stop shares and